सो मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के पास सैमसंग का ही फ़ोन है और मैं सैमसंग से रिलेटेड ज़्यादातर वीडियोस अपलोड भी करता हूँ, लेकिन मैं कुछ दिनों से कुछ अलग टाइप का ओवरऑल टाइप का वीडियोस अपलोड करने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि पिछला वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था लावा के ऊपर, लावा का एक कस्टमाइजेबल फ़ोन आया है उसके ऊपर, और उसका पहला वाला वीडियो था व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन आज इस वीडियो में सैमसंग से रिलेटेड ही बात करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं कुछ सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ जो हो सकता है आपके फ़ोन में इनेबल या फिर डिसेबल है, लेकिन आप लोगों को अभी इसको चेंज कर लेना चाहिए। और इन सेटिंग्स को चेंज करने से आपका प्राइवेसी मेंटेन होगा, और दूसरा डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन एनहांस हो जाएगा, और तीसरा जो मोबाइल यूज़ करने का एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते कौन कौन सा सेटिंग्स है और कहाँ से हमको इसको चेंज करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सेटिंग्स है वो है सजेस्टेड एप्लीकेशन का, मतलब जब आप रिसेंट एप्लीकेशन के अंदर जाते हो तब वहाँ पर नीचे कुछ सजेस्टेड एप्लीकेशन शो करता है, जिन एप्लीकेशन को आपने हाल फिलहाल यूज़ किया था वही एप्लीकेशन यहाँ पर शो करेगा। तो आप अगर चाहते हो कि इन एप्लीकेशन को आपको शो ना करे, मतलब टर्न ऑफ करना चाहते हो सजेशन, तो उसके लिए एक सेटिंग्स है। इसके लिए आपको वहीं पर जाना है रिसेंट एप्लीकेशन के अंदर, और ऊपर एक थ्री डॉट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स पर, और इसी के अंदर एक ऑप्शन रहेगा सजेस्टेड एप्लीकेशन का, इसको टर्न ऑफ कर लेना है। सो जब आप इसको टर्न ऑफ कर लोगे उसके बाद आप कभी भी रिसेंट पर जाओगे तो आप यहाँ पर कोई सजेस्टेड एप्लीकेशन नहीं देख पाओगे, मतलब शो नहीं करेगा। और मैं ये सेटिंग्स दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों में से ज़्यादातर लोग इस सेटिंग्स को यूज़ नहीं करता है और नीचे ये शो करता रहता है। तो आप चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो, नहीं ऑफ करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो इस सेटिंग्स को अप्लाई करके इस सजेस्टेड एप्लीकेशन को आप ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगला जो सेटिंग्स है ये प्राइवेसी से रिलेटेड है, मतलब जब आप बजट फ़ोन यूज़ करते हो सैमसंग हो या फिर कोई भी ब्रांड का हो, तब सिस्टम जो एप्लीकेशन होता है या फिर फाइल मैनेजर होता है उसके अंदर कभी कभी ऐड शो करता है। तो अगला जो सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ, इस सेटिंग्स को अगर टर्न ऑफ कर दोगे तो ऐड शो नहीं करेगा या फिर आपका यूजर्स इन्फॉर्मेशन भी कंपनी रिसीव नहीं कर पाएगा। और इसका दो सेटिंग्स है बेसिकली, तो दोनों ही मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स के अंदर और वहाँ पर प्राइवेसी पर क्लिक करना है, और इसी के अंदर एक ऑप्शन रहेगा रिसीव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, इसको आपको टर्न ऑफ कर लेना है। और वहीं पर नीचे एक और ऑप्शन रहेगा कस्टमाइजेशन सर्विस का, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज ऐड को ऑफ करना है। तो बेसिकली इन दोनों सेटिंग्स को अगर आप टर्न ऑफ कर लोगे तो कंपनी आपका कोई भी यूजर्स पैटर्न, मतलब वो लोग यूजर्स पैटर्न को एनालाइज करके आपको ऐड शो करता है, वो इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास नहीं जाएगा और कोई ऐड उससे रिलेटेड शो नहीं होगा। और दूसरा जो सेटिंग्स है कस्टमाइज ऐड का, इसको अगर टर्न ऑफ करोगे तो आपको कोई ऐड ही शो नहीं करेगा। तो एक यूज़फुल सेटिंग्स है, हो सकता है आपके फ़ोन में ऑन है, आपको अभी ही ऑफ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो अगले सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ, इस सेटिंग्स को अगर आप टर्न ऑन कर लोगे तो आपका मोबाइल का ऑप्टिमाइजेशन एनहांस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके सेटिंग्स के डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पर जाना है, देन आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एडवांस ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर एक ऑटो ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन रहेगा, इस ये अगर टर्न ऑफ रहे तो इसको ऑन कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप अंदर देख पाओगे कि एक टाइम शो करेगा, मतलब बेसिकली इस टाइम पर आपका मोबाइल ऑटो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, जितने भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होता है सभी किल हो जाएगा और रैम क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, और सिलेक्ट करने के बाद उसी टाइम पर आपका मोबाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अगले सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ ये भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड है, मतलब कभी भी अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए या फिर खो जाए तो आप अपने फ़ोन को कैसे ट्रैक कर सकते हो, इसके ऊपर ये सेटिंग्स है। और इस सेटिंग्स का नाम है फाइंड माई मोबाइल। बेसिकली ये सेटिंग्स आपको सेटिंग्स के अंदर बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी के अंदर देखने को मिल जाएगा, और इस सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, बेसिकली सभी को आपको टर्न ऑन करना है। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है रिमोट अनलॉक का, मतलब अगर आपका मोबाइल चोरी या फिर खो जाए तो आप दूसरे कोई गैलेक्सी डिवाइस से उस फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको अनलॉक या फिर लॉक भी कर सकते हो। और दूसरा जो ऑप्शन है ये है सेंड लास्ट लोकेशन का, मतलब इस सेटिंग्स को अगर आप ऑन कर लोगे तो अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए उसके बाद भी अपने फ़ोन का लास्ट लोकेशन आप जान पाओगे। और अगला सेटिंग्स है ऑफलाइन फाइंडिंग का, मतलब ये सेटिंग्स अगर आप टर्न ऑन करोगे तो आपका फ़ोन का नेट अगर ऑफ भी रहेगा तो भी आप उस फ़ोन को ट्रैक कर पाओगे, लेकिन इसका एक रेंज है, मतलब लगभग 100 मीटर के रेंज या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई एक रेंज है जिसके अंदर ही आप फ़ोन को सर्च कर पाओगे। अगर आप उस फ़ोन के उस रेंज के अंदर रहोगे तो ही आप उस फ़ोन को ट्रैक कर पाओगे। तो मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि हम अपने सैमसंग के डिवाइसेस के अंदर लॉक स्क्रीन में कैसे नोटिफिकेशन पैनल को ऑफ करें, लेकिन हमारे जो बजट रेंज के सैमसंग के डिवाइसेस है उसमें लॉक स्क्रीन के अंदर नोटिफिकेशन पैनल को ऑफ तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऑप्शन है जो हम ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क रिलेटेड ऑप्शन, मोबाइल डाटा या फिर वाईफाई,
हॉटस्पॉट ऐसे ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर लॉक स्क्रीन वाले सेटिंग्स पर जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा सिक्योर लॉक सेटिंग का, इस पर क्लिक करने के बाद आपको लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी को ऑन कर लेना है। सो इस सेटिंग्स को अगर आप ऑन कर लोगे तो जब भी आप अपने लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करोगे तो वहाँ पर कोई भी नेटवर्क रिलेटेड ऑप्शन को ऑन या फिर ऑफ नहीं कर पाओगे। तो यही थे कुछ सेटिंग्स जिन सेटिंग्स को आपको अपने सैमसंग के गैलेक्सी डिवाइसेस में चेंज कर लेना चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हो कि WhatsApp में 2021 में कौन कौन सा फीचर आने वाला है तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाकर रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।